Exercise 4.7, problem number 2. A dairy milk produces 3,875 liters of milk daily. एक डेयरी है वो कितना लीटर्स प्रोड्यूस करती है एक दिन में? 3,875. फाइंड द टोटल प्रोडक्शन इन द लास्ट टू मंथ्स ऑफ ईयर 2007. सो स्टूडेंट्स, इन दिस प्रॉब्लम वी हैव टू फाइंड दैट कि हमें टोटल प्रोडक्शन निकालना है लास्ट टू मंथ ऑफ द ईयर 2007. तो यहाँ पे देखिए, एक डेयरी मिल्क है वो प्रोड्यूस करती है 3,875 लीटर्स ऑफ मिल्क डेली बेसिस पे, मतलब रोज. आपको फाइंड करना है कि टोटल प्रोडक्शन इन द लास्ट टू मंथ्स ऑफ द ईयर 2007 के जो आखिरी दो महीने थे उस महीने में कितना मिल्क प्रोड्यूस हुआ है. तो देखिए, यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट बना दिया है, लीटर्स ऑफ मिल्क प्रोड्यूस्ड बाय अ मिल्क डेयरी. लीटर्स ऑफ मिल्क प्रोड्यूस्ड बाय अ मिल्क डेयरी यहाँ पे दिया है 3,875 लीटर. ठीक है, उसके बाद देखिए, नंबर ऑफ डेज इन टू मंथ्स. हमें यहाँ पे अगली प्रॉब्लम में निकालना है कि हमें जो लास्ट के टू मंथ्स है उसमें कितना मिल्क प्रोड्यूस हुआ है. तो हम वो तभी निकाल पाएंगे जब हमें डेज बताओगे कि कितने दिन होते हैं लास्ट के टू महीने में. तो नंबर ऑफ डेज इन लास्ट टू मंथ्स हो जाएगा 31 + 30, कितना हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ डेज हो जाएगा 61. उसके बाद देयरफोर टोटल प्रोडक्शन इन टू मंथ्स, व्हाट इज द टोटल प्रोडक्शन हेयर इन टू मंथ्स? सो व्हाट वी विल डू, वी विल मल्टीप्लाई 3,875 विद 61. आफ्टर दैट आई विल राइट आंसर. आंसर क्या होगा? टोटल प्रोडक्शन इन टू मंथ्स. टोटल प्रोडक्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? लीटर. इसको हम मल्टीप्लाई करिएगा, अपने यहाँ पे लिख दीजिए. एक्सरसाइज 4.7, प्रॉब्लम नंबर 4. अ साइकिल व्हील टर्न्स अराउंड 397 टाइम्स टू ट्रेवल 1 किलोमीटर. साइकिल व्हील मतलब साइकिल का जो पहिया होता है वो 397 टाइम्स घूमता है, टर्न होता है टू ट्रेवल 1 किलोमीटर. 1 किलोमीटर ट्रेवल करने के लिए उसको 397 टाइम्स घूमना पड़ता है. सो स्टूडेंट्स, इन दिस प्रॉब्लम यू हैव टू फाइंड दैट हाउ मेनी टाइम्स इट शुड टर्न टू कवर 47 किलोमीटर. आपको ये पता करना है कि कितनी बार वो साइकिल का व्हील टर्न करेगा, घूमेगा, ताकि वो 47 किलोमीटर ट्रैवल कर ले. तो यहाँ पे देखिए, मैंने स्टेटमेंट बनाया, नंबर ऑफ टर्न्स टेकन बाय साइकिल व्हील टू कवर 1 किलोमीटर कितना है? 397. यहाँ पे प्रॉब्लम में दिया है कि आपको फाइंड करना है कि टोटल नंबर ऑफ टर्न्स टेकन बाय अ साइकिल टू कवर 47 किलोमीटर. क्या करेंगे आप इसमें? इसमें हम सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे. ये हो जाएगा 397, वी विल मल्टीप्लाई इट बाय 47 एंड आफ्टर दैट आई विल राइट आंसर. टोटल नंबर ऑफ टर्न्स टेकन बाय साइकिल व्हील टू कवर 47 किलोमीटर इज, जो आपका आएगा यहाँ पे आप आंसर लिख दीजिएगा. प्रॉब्लम नंबर 6. सो स्टूडेंट्स, इन प्रॉब्लम नंबर 6 इट इज रिटन अ न्यूज़पेपर कंटेन्स 136 कॉलम. एक न्यूज़पेपर है जिसमें कितने कॉलम्स हैं? 136. तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा, नंबर ऑफ कॉलम्स इन अ न्यूज़पेपर इज इक्वल टू 136. ईच कॉलम कंटेन्स 125 लाइंस. ईच कॉलम कंटेन्स 125 लाइंस. नंबर ऑफ लाइंस इन ईच कॉलम 125. ईच लाइन हैज 30 लेटर. हर लाइन में 30 लेटर्स हैं.
नंबर ऑफ लेटर्स इन अ लाइन कितने हैं? 30। आपको फाइंड करना है कि टोटल नंबर ऑफ लेटर इन न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर में टोटल कितने लेटर्स हैं। तो सबसे पहले देखिए मैं आपको बता दूं कि कॉलम क्या होता है। ये समझ लीजिए आपका न्यूज़पेपर है, यहाँ पे ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है, ये देखिए ये आप देख रहे हैं, ये आपका है कॉलम। प्रॉब्लम में दिया है कि नंबर ऑफ कॉलम्स इन अ न्यूज़पेपर 136, तो 136 कॉलम है पूरे न्यूज़पेपर में, ठीक है। फिर दिया है नंबर ऑफ लाइंस इन ईच कॉलम, एक कॉलम में कितनी लाइन है? 125। ये आपकी लाइन हो गई, ये आपका कॉलम है और इसी में ये आपकी लाइन हो गई, कितनी लाइन है? 125। नंबर ऑफ लेटर इन ईच लाइन, हर एक लाइन में 30 लेटर है, एक लाइन में कितने लेटर है? 30। आपको स्टूडेंट्स फाइंड करना है कि टोटल नंबर ऑफ लेटर इन अ न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर में टोटल कितने लेटर्स हैं। तो सिंपल है, हम तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 30 × 125 × 136। आप इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आंसर लिख दीजिएगा, उसके बाद यहाँ पे मैं आंसर लिख दूंगा, टोटल ऑफ लेटर्स इन न्यूज़पेपर इज, जो यहाँ पे आंसर आएगा वो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा।